सो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड चैनल आ चुका है जो आपको पैनी गुरुजी के नाम से मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पैनी स्टॉक्स ही रेकमेंड किए जाएंगे जो आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न निकाल कर दे सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो है बहुत सारे पैनी स्टॉक्स ऑलरेडी रेकमेंड किए हुए हैं, वहाँ पर आप जाकर जो है उनको विजिट कर सकते हो। और सेकेंड, आप देखोगे हमारा जो है टेलीग्राम चैनल भी आ चुका है। जी हाँ, टेलीग्राम चैनल भी आ चुका है जहाँ पर आपको जो है कोई भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट आती है। जैसे अभी सुवेक्स वाली कोई न्यूज़ आई थी तो पहले हमारे टेलीग्राम पर हमने जो है उसके लिए आपको बता दिया था कि सुबैक्स के जो है पार्टनरशिप होने वाली है। जी हाँ, तो उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, चैनल के अबाउट में जाकर आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा। सो हे गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बानस फाइनेंस के बारे में। आप देखोगे हमारे पिछली वीडियो पर कमेंट आ रहे हैं, हर वीडियो पर कमेंट आ रहे हैं कि सर आप जो ना बानस फाइनेंस के ऊपर जो स्टडी करके हमें बताओ। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, बानस फाइनेंस आखिर कैसा शेयर है, क्या हमें अच्छे रिटर्न निकाल कर दे सकता है या फिर नहीं। तो यहाँ से आप देखोगे भाई, कल की अगर मैं बात करूँ तो कल स्टॉक के अंदर हमें जो ना अच्छी वॉल्यूम लगती हुई नजर आई, 6 लाख आप देख सकते हो। और वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 5% की हमें जो ना तेज़ी भी देखने को मिली है, 18 नीचे में 18 रुपये के आसपास, और वहाँ से स्टॉक ने जो ना फिर से बाउंस बैक किया है। तो ऐसे में क्या इसके अंदर तेज़ी आने की रीज़न है, क्या ये स्टॉक यहाँ से फिर से हमें उसी लेवल तक जाते देखने को मिलेगा। आप देखोगे अपने 52 वीक हाई से स्टॉक हमें जो ना कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 86% की गिरावट पर। जी हाँ, आप देखोगे 146 रुपये इसका 52 वीक हाई है, और वहाँ से आप देखोगे स्टॉक हमें जो ना 19 रुपये पर। जी हाँ, एक मायने रखता है कहाँ 146 रुपये और कहाँ पर 19 रुपये। तो 146 से 119 रुपये पर आया हुआ है। तो इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, क्या हमें स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। अगर ले तो इसके क्या टारगेट रहने वाले हैं, किस लेवल से प्रॉफिट बुक करके निकलना सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलो पहले आप यहाँ से इसका जो ना चार्ट देखो एक बार। चार्ट में हमें क्या देखने को मिला है, यहाँ पर तेज़ी का रीज़न क्या है, यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों लगी, क्योंकि YouTube के ऊपर ऐड लगाकर वीडियो डाला गया, यही रीज़न था। तो स्टॉक के अंदर यहाँ से पंप आया, और स्टॉक को आप देखो भाई कहाँ से कहाँ तक एकदम से पंप करवा कर स्टॉक को लेकर गए थे। जी हाँ, आप देखोगे यहाँ पर शेयर प्राइस था कितना, 34 रुपये। ये बात है 10 दिसंबर की। जी हाँ, 10 दिसंबर को शेयर प्राइस 34 रुपये था, और 34 रुपये से आप देखोगे स्टॉक को नॉन स्टॉप 146 रुपये तक, जी हाँ 146 रुपये तक लेकर गए 20 जनवरी तक। 10 दिसंबर से 34 रुपये से 146 रुपये तक, जी हाँ 146 रुपये तक। तो ज़बरदस्त स्टॉक के अंदर जो है रिटर्न बुक किया ऑपरेटर ने, जो ना ये सारा का सारा गेम खेला था। तो वही उसके बाद आप देखोगे फिर स्टॉक जो है डाउन आया, वहाँ से स्टॉक के अंदर एलसी लगा, एलसी लगते आप देखोगे भाई नॉन स्टॉप कहाँ तक आया, ये देखो 64 रुपये तक। 64 से फिर आप देखो कुछ टाइम के लिए ऊपर भागा लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद आप देखोगे फिर से स्टॉक हमें जो ना उसी लेवल पर आते हुए नज़र आया है जिस लेवल से स्टॉक ने भागना किया था स्टार्ट। जी हाँ, आप देख सकते हो अब 19 रुपये पर आया हुआ है। तो यहाँ पर फिर से स्टॉक अंदर तेज़ी आई, तो तेज़ी का रीज़न सेम है। यहाँ पर वीडियो के ऊपर आप देखो यहाँ पर ऐड लगा के वीडियो डाला गया, तो यहाँ पर भी ऐड लगी हुई है आज। जी हाँ, आज फिर से स्टॉक के ऊपर ऐड लगी है। तो यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हो तो किस लेवल पर लिखना सही रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उससे पहले आप देखोगे भाई इसका क्वार्टर वन रिजल्ट कैसा रहा, तो क्वार्टर वन रिजल्ट इसका कुछ खास नहीं रहा भाई। आप देखोगे इसके जो नेट सेल्स है ना, यही हमें जो ना माइनस में देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लंबे टाइम के लिए कंपनी के साथ चलना चाहो तो आप इसके नेट सेल्स देख कर जो ना पीछे हटोगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कंपनी का प्रॉफिट, तो कंपनी को जो प्रॉफिट की बजाय इतना ज़बरदस्त लॉस हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर में भी लॉस था और अब की बार भी। प्रीवियस क्वार्टर में लॉस था कितना, 22 करोड़ का, और अब की बार आप देखोगे 57 करोड़ का कंपनी को भारी लॉस हुआ है भाई, ठीक है। तो इस कंपनी से अगर आप फंडामेंटली स्टॉक के साथ चलोगे और अगर आप चाहोगे कंपनी साथ हम लॉन्ग टाइम के लिए बने रहें तो उस हिसाब से कंपनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर ऑपरेटर गेम के साथ आप चलना चाहो तो अच्छी बात है। यहाँ पर आप देखो इसके रिटर्न, एक महीने में अगर मैं बात करूँ रिटर्न की तो 35% की गिरावट, और वहीं अगर मैं बात करूँ 3 महीने की तो 46% की गिरावट, और वहीं अगर मैं बात करूँ 6 महीने की तो 74% की गिरावट, और एक साल में स्टॉक ने रिटर्न निकाल कर दिया है 187% का। अगर मैं बात करूँ इसके प्रमोटर होल्डिंग की तो आप देखोगे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है स्टॉक के अंदर वह 13%,
जी हाँ 13% की होल्डिंग है और कोई चेंजेस नहीं आया है प्रीवियस क्वार्टर में। उसके बाद आप देखो बल्क डील है, बल्क डील के अंदर आप देखोगे जो मोटा माल है ना वो सेल किया गया है भाई। जी हाँ आप देखोगे 18 अगस्त को 18.90 रुपये पर माल निकाला गया है 1,64,993 और 18 अगस्त को ही आप देखोगे शेयर जो है ना परचेज भी किए गए हैं 2,64,000 यानी अभी भी 1,00,000 के आसपास जो शेयर है वो इस कंपनी के पास। जी हाँ जो ये ऑपरेटर हैं मल्टीप्लायर शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के, उनके पास जो शेयर है वो 1,00,000 अभी भी बानस फाइनेंस के होल्डिंग में है। तो यहाँ से स्टॉक के अंदर तेजी आना लाजमी है और यहाँ से आप देखोगे भाई आज, जी हाँ आज आप देखोगे 4 एडें चलाई गई है YouTube के ऊपर। जी हाँ 4 एडें बानस फाइनेंस के ऊपर चली हुई है। तो उन बानस फाइनेंस की एडों को देखकर ही मैं जो ना आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा लालच नहीं करना है हमें। ऊपर में अगर आपने मान लीजिए मंडे को बाय कर लिया तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 15 से 20%, ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30% आपको जो ना प्रॉफिट बुक करना है और 20% से स्टॉक ऊपर जाते ही खतरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये भी मैं आपको बोल देता हूँ। और जाने को भाई कुछ भी नहीं है, स्टॉक आप देखो भाई पीछे भी तो 34 रुपये से स्टॉक को जो ना 146 रुपये तक लेकर गए थे ऑपरेटर, ठीक है तो जाने को तो कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ से ऑपरेटर लेके चले स्टॉक को 18 रुपये से तो 18 से क्या पता 36 यानी 100% तक भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है तो हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है। अगर लालच भी करो ना तो उन कंपनियों में करो जहाँ पर आपको बिजनेस अच्छा देखने को मिल सकता है। शायद ऑपरेटर गेम चल रहा हो कोई बात नहीं, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी आने वाले टाइम में वहाँ तक जा सकती है जिस लेवल से स्टॉक गिर सकता है, तो आप उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए लॉन्ग टाइम के लिए। अदरवाइज आप जो ना उसके अंदर ज़्यादा विश्वास मत करो जिसके अंदर फंडामेंटली बिल्कुल जीरो हो, कंपनी को जो ना प्रॉफिट के बजाय कंपनी लॉस में ऑलरेडी चल रही हो, तो उस ऐसे स्टॉक से हमें जो ना बचना चाहिए। तो बानस फाइनेंस के अंदर आपने देखा होगा क्वार्टर वन रिजल्ट खराब आया है, क्वार्टर फोर आप देखो वो भी खराब आया है, तो ऐसे स्टॉक से हमें कोई उम्मीद नहीं है। अगर आप ऑपरेटर गेम के साथ चलो तो 15 से 20% का प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से बाहर आ जाना। जी हाँ अगर आप महीने में, भाई मेरी बात सुनो, अगर आपको महीने में ऐसे 5 शेयर मिल जाते हैं जिनसे आपको एक शेयर के अंदर 15% प्रॉफिट हो जाता है, तो 5 शेयरों के अंदर आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा 75%। तो महीने के अंदर अगर आप 75% अच्छा प्रॉफिट बुक कर लेते हो पेन स्टॉक से तो बहुत अच्छी बात है। आप जो ना, मैं जो स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ मैं यही अपनाता हूँ, जैसे ही कोई स्टॉक आता है तो उसके अंदर मैं ना 15 से 20% प्रॉफिट बुक करता हूँ, चाहे वो स्टॉक ऊपर में कहाँ तक भी जाए, ठीक है मैं ज़्यादा लालच नहीं करता। तो आपको भी ये स्ट्रेटेजी ना अपनानी चाहिए मेरे हिसाब से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।